दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यहां भी झटका लग रहा है। दरअसल ओबीसी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर का इस्तीफा, अकलतरा के पूर्व एमएलए चुन्नीलाल साहू का भी इस्तीफा, अजय बंसल ने भी दिया कांग्रेस से इस्तीफा, कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे और अजय बंसल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और तीनों ही दरअसल नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जो अब तक जानकारी मिल रही है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि ओबीसी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने इस्तीफा दे दिया और अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अजय बंसल का भी नाम इस लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है कि वो भी साथ के साथ इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय बंसल, जिनका इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के लिए झटका हो सकता है और बीजेपी के लिए मौका हो सकता है, चूंकि बीजेपी ये ज्वाइन कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा, चूंकि लोकसभा चुनाव ऐसे समय में निश्चित रूप से पार्टियों के नेता यहां से वहां जाते ही हैं, लेकिन आज जो लगातार खबरें आई हैं वो कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक ही पार्टी में घूम फिर करके नेता जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। और सभी का अब तक जो, चूंकि जिस तरह से भोपाल से हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का सियासी उठापटक कांग्रेस पर ही भारी पड़ रहा है, कांग्रेस को ही बहुत बड़ा डैमेज वहां पर हुआ है। एक वरिष्ठ नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की पचौरी ने, और उसके अलावा भी उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्या यहां छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति रहेगी, जिसमें कि अब तक जो जानकारी मिल रही है, चौलेश्वर चंद्राकर हो, चुन्नीलाल साहू हो या अजय बंसल, ये सभी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर होगी, लेकिन क्या चुनाव से पहले नेताओं का इस तरह का दल बदल निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर एक बड़ी समस्या हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बड़े चेहरे साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। ममता, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि बड़े पुराने और कद्दावर चेहरे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी सियासी उठापटक इस कारण बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बात करें तो पूर्व विधायक, अकलतरा के पूर्व विधायक सुनीलाल साहू जो हैं वो उन्होंने इस्तीफा दिया है, चौलेश्वर चंद्राकर ने इस्तीफा दिया है, अजय बंसल ने इस्तीफा दिया है, और इस्तीफे को लेकर हमने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से भी सवाल किया तो उनका कहना था कि चुनाव के पहले आया राम गया राम जैसी स्थिति होती रहती है, लेकिन ऐसे लोगों के के जाने से कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ता, जो फायदे जो मुश्किल समय में जो है वो पार्टी को छोड़ करके जाते हैं, और उनका कहना था इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत रूटीन की प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले इस तरह की स्थिति होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमने उनसे सवाल ये भी किया था कि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है क्या कहीं ना कहीं इससे डाउन होता है, क्योंकि अगर पूर्व विधायक जा रहे हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, तो उसमें उनका कहना था कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि चूंकि लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल सामने ही है और तैयारियों पर पार्टियां जो है वो जुट गई हैं, और ऐसे समय में जब कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि बहुत मजबूत स्थिति में है और लोकसभा के जो नतीजे हैं वो उनके पक्ष में आएंगे, और ऐसे में अगर पूर्व विधायक छोड़ करके जा रहे हैं, बड़े पदाधिकारी छोड़ कर जा रहे हैं, चौलेश्वर चंद्राकर जो हैं ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो नेगेटिव तो जाता ही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चूंकि ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अगर वो बीजेपी में जाके शामिल होते हैं तो अपना जनाधार भी होता है, चौलेश्वर जो चुन्नीलाल साहू है उनका अपना जनाधार रहा है अगर वो बीजेपी में जाते हैं, तो इसका फर्क तो है कहीं ना कहीं पड़ता ही है। जी बिल्कुल, ममता आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची आनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अब तक 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, तो
लगभग यहां 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया जाना बाकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ी जानकारी दी कि बाकी बची 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कल किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये नाम सामने आएंगे। मेरे चुनाव लड़ने पर या नहीं लड़ने पर यह फैसला हाईकमान को करना है। देखिए, सीएसी की मीटिंग के बाद और हाईकमान ने 6 नामों पे घोषणा कर दी है। कल 6 नाम 6 लोकसभाओं में से सभी 5 लोकसभा बाकी है। लगभग वो भी सहमति लगभग बन गई है, औपचारिकता बाकी है। कल सीएसी है, संभवतः कल उन नामों पे भी मुहर लग जाएगा। रही बात मेरे चुनाव लड़ने या न लड़ने का, हाईकमान को फैसला करना है। मैंने अपनी भावनाएं अवगत करा दी। हाईकमान को फैसला करना है कि मुझे क्या जवाबदारी मिलता है या मुझे क्या करना चाहिए। हाईकमान जो कहेगा दीपक बैज तैयार है उसके। और बात करेंगे हमारी सहयोगी ममता लांजीवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, दीपक बैज का भी आप जिक्र कर भी रहे थे और दीपक बैज कह रहे हैं कि हाईकमान जो तय करेगा हम वही करेंगे, लेकिन बाकी जो 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाने हैं उसमें उनका नाम रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी संशय भी बरकरार है। क्या जानकारी मिल पा रही है बाकी 5 सीट्स पर कैंडिडेट्स की घोषणा को लेकर? देखिए, कोई भी पार्टी हो उसके जो पदाधिकारी होते हैं कार्यकर्ता, उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता है कि जो हाईकमान कहता है उसके अलावा कुछ करें, और इधर अदरवाइज ही होता है कि वो पार्टी से बगावत करें या पार्टी से बाहर हों। तो ये बहुत कॉमन सा बयान होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दीपक बैज को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चूँकि पहले से जो है केवल 2 ही सांसद कांग्रेस के हैं, इसमें दीपक बैज और ज्योत्सना महन। ज्योत्सना महन को टिकट मिल गई है, हम लगातार दिखा भी रहे थे कि ज्योत्सना महन जो है वो मजबूत कैंडिडेट है। दूसरी तरफ अगर बात तो दीपक बैज की टिकट काटने को लेकर पार्टी इसलिए असमंजस की स्थिति में है क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज खराब जाएगा ऐसे समय में जब आप बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं कि आप जो है अपने और चैलेंज करें कि मौजूदा जो सांसद है, लगातार कांग्रेस जो है वो चैलेंज करते रहे कि मौजूदा सांसदों को ही आप टिकट दोबारा देकर दिखाइए, और जिनकी टिकट काटी गई उसको लेकर घेरा भी गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहले यह क्राइटेरिया बनाया गया था कि हारे हुए और जीते हुए जो विधायक हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात और है कि दीपक बैज की अगर टिकट कटती है तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज जाएगा कि क्या दीपक बैज जो है वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दीपक बैज जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की जो पहली पसंद है वो दीपक बैज ही हैं। इस बीच जो हरीश लखमा है उसको लेकर कवासी लखमा लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हरीश लखमा नहीं तो कवासी लखमा को लेकर भी पार्टी जो है वो कोशिश कर सकती है। लेकिन अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि दीपक बैज जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि विधानसभा के चुनाव के समय जब दीपक बैज लड़े थे तो जब हार हुई थी तो उसके पीछे ये भी कहा गया था कि दीपक बैज के मन में एक महत्वाकांक्षा आ गई थी, और जिस तरह से पार्टी के भीतर कुर्सी को लेकर लड़ाई चल रही थी तो एक महत्वाकांक्षा ये भी आ गई थी, इस तरह के आरोप भी लगे थे कि मैं हो सकता है नेक्स्ट जो है वो सीएम फेस हो सकता हूँ अगर पार्टी जीतती, और इसी महत्वाकांक्षा में वो चुनाव लड़े थे। हालांकि और इसका जो है खामियाजा पूरी पार्टी को भी भुगतना पड़ा था क्योंकि कोई जो है वो संगठन को संभालने वाला नहीं था, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि इस तरह के एलिगेशन लगे थे दीपक बैज नहीं चाहते कि चुनाव लड़े, उनका कहना था कि पूरे प्रदेश भर में घूमना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा है कि बस्तर की सीट को लेकर जो खींचतान है कांग्रेस पार्टी, इससे कैसे